जब तक दूसरे जीव के प्रति हृदय में करुणा नहीं है। जैसे देखते हैं ना कि रोड में चलते हुए देखते हैं, कई बार भिखारी देखते हैं जिसकी देखते हैं कि कपड़े नहीं, सर्दी में से करुणा आती है ना कि अरे बताइए कि इसे कपड़े नहीं है या भूखा है इसको, फिर दया आती है। तो वो हो सकता है इस तरह आता है, लेकिन लेकिन सोचिए अगर आपसे कहा जाए ठीक है एक भिखारी आपको दिया, तब कितने दिन तक किसी की सहायता कर सकते हैं? एक दिन खिला दोगे, दो दिन खिला दोगे, एक महीना, साल भर, इससे ज्यादा कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन जो वास्तविक जो करुणा कहते हैं वो क्या है, जो वैष्णव लोग कर रहे हैं, जो प्रभु जी लोग कर रहे हैं, कि जैसे मेला में गेट पे है तो जैसे कहते हैं कि मेला में जैसे कोई बच्चा खो जाता है तो बच्चा रो रहा होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं, क्या सोचते हैं कि अरे बच्चा क्यों रो रहा है, तो कुछ लोग सोचते हैं अरे बच्चा है क्या है, कुछ शायद भूखा हो, तो क्या करते हैं कुछ लोग उसको बढ़िया जलेबी, गर्म जलेबी खिला देते हैं, लोग जलेबी खाते हैं, जलेबी खाकर थोड़ी देर बच्चा शांत रहता है, फिर क्या होता है थोड़ी देर बाद फिर रोने लगता है, फिर दूसरा व्यक्ति कहता है अरे ये बच्चा क्यों रो रहा है, तब छोटा बच्चा है क्या, तो दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है कि चलो क्या कर दे, ये लगता है कि इसको झूला नहीं, झूला नहीं, जैसे झूले में सब लोग बच्चे झूलते हैं, हम झूला झूला झूलना चाहता है क्या, तो उसको झूला झूला देते हैं, तो फिर बच्चा शांत रहता है, फिर रोने लगता है, फिर तीसरा व्यक्ति सोचता है कि अब ये बच्चा क्यों रो रहा है, शायद हो सकता है कि जैसे खिलौना चाहता हो, तीसरा व्यक्ति खिलौना दिलवा देता है, लेकिन थोड़ी खिलौने से खेलता है, फिर रोने लगता है, फिर इस तरीके से आखिरी में एक बुद्धिमान व्यक्ति आता है, वो देखता है कि भाई बच्चा मेले में इसके मतलब कि ये अकेले यहाँ रो रहा है, मतलब कि इसके माँ बाप कहाँ है, तो वो क्या करता है फिर कि उसको किससे मिलवाता है, उसके माँ बाप से। तो जो इतनी तरीके के लोग जो हेल्प कर रहे थे उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हेल्प किया किसने किया, किसने माँ बाप से मिलवाया, माँ बाप से मिलवाया। तो उसी तरीके से हम लोग जैसे इस भौतिक संसार में हम लोग जैसे तो हम लोग भौतिक संसार में क्या हुए सब लोग आज ये पवित्र बैठ जाइए भटके हुए अपने माँ बाप हुए हरे कृष्ण। तो उसी तरीके से ये जो संसार रूपी मेला है, तो कोई व्यक्ति है जैसे कभी कई बार आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे को जैसे छोटे बच्चे लड़ लेते हैं किसके लिए, खिलौने के लिए या कुछ खाने की चीज के लिए लड़ाई कर लेते हैं, तो देखिए हम हंसी आती क्या खिलौने के लिए लड़ रहा है छोटे बच्चे, लेकिन देखिए हम थोड़ा उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या देखते हैं कि उसी तरीके से हम भी तो लड़ रहे हैं कि जरा सी जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए, वो क्या खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, और हम बड़े होके क्या कर रहे हैं, इन सब के लिए लड़ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये क्या है आपका, जैसे आपने कभी गौर किया, मैंने कई जगह देखा है जो पागल व्यक्ति रहते हैं ना, देखो खूब सारा जो कूड़ा नहीं, जो पॉलीथीन वगैरह इन सबको बटोर बटोर के खूब सारा गठरी रख लेगा अपने आसपास, और उसके बीच बैठ करके कुछ खाता रहेगा सुन ना, और उसको आपको लगे क्या है पागल, तो पागल था ही है, वो कह रहा है कूड़ा देखो इन सबके कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो इस मेला में भटके हुए हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सब चीजें बस धन संचय, ये धन संचय या जो भी चीजें उन सबके पीछे लगे हुए, इतना ज्यादा लगे हुए कि जो वास्तविक हमारा उद्देश्य था इस धरा धाम में, जो मनुष्य का जीवन मिला है वो किस लिए मिला हुआ है, कि जो जन्म मृत्यु का चक्र है उसको से हम क्या कर पाए, मुक्त बाहर आ जाएं। और जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उन सब योनियों में ये सब फैसिलिटी नहीं है, वो लोग बस खाना पीना, बच्चे पैदा करना, सोना, बस इतना ही रहता है। कोई भी योनियों में कोई भी जीव प्रयास नहीं करता है किसके लिए, कि कैसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाए, केवल और केवल एक यही जो मनुष्य का जो योनि है उसी में अवेलेबल है। तो हम लोगों को भी मतलब कि जो मनुष्य का शरीर मिला है, तो हम लोग इसका महत्वपूर्ण, हम कितना महत्वपूर्ण कब समझ पाएंगे, जब हमें कोई समझाएगा, और कौन समझाएगा,
जो शास्त्रों को पढ़ रहा है, जो जीवन में अपने खुद पालन कर रहा है। तो जैसे भक्त लोगों का, हमारे लखीमपुर के जो भक्त हैं उनके ऊपर बहुत दया है कि ये लोग सब अपना आराम छोड़ करके यहाँ पर आए ताकि यहाँ के लोगों का उद्धार हो, लोग धर्म के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने, और जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे मुक्त हो। और जो जैसे मेला में खोए बच्चा का वास्तविक हेल्प कैसे हुई, जब अपने माँ बाप से मिला, उसी तरीके से जब हम लोग भी मेला में भटके हुए प्राणी हैं, तो हम लोग भी जब भगवान के धाम जाएंगे तभी हमें वास्तविक खुशी मिलेगी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कैसे हम भगवान के धाम, तो भगवान के धाम जाने के लिए हमें क्या करना है कि जो भक्त हैं, जैसे सब लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो, जैसे कहते हैं कि फल स्तुति बोलते हैं, भगवद गीता की जो फल स्तुति है वो 18वें अध्याय में श्लोक संख्या 59, 60, 61 ऐसे कुछ यहाँ पर आती है। तो उसमें बताया गया है कि भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरे, जो मैंने कहा है उसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो भक्त मुझे क्या है, बहुत प्रिय। तो ये सब भक्त लोग बहुत प्रिय हैं। तो आप लोग इनके, आप लोग कोशिश कीजिए कि ये भक्त लोग, जैसे देखिए इन लोगों ने तो अपना सब जीवन दे दिया भगवान के प्रचार प्रसार में। सोचिए लोग अपना घर परिवार नहीं छोड़ पाते, लोग सब छोड़ दिए इतनी कम उम्र में, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली। तो कम से कम ठीक है, अगर मान लीजिए हम उतना नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अभी जैसे ये लोग आए हुए हैं तो हम इनके कैसे, हम इनसे पूछ करके कि प्रभु जी हम लोग अब हमारे घर आए हुए हैं तो हम लोग कैसे अब सेवा कर सकते हैं। तो जैसे भक्त लोग प्रचार के लिए जाएंगे तो जिसका भी जो समय मिलता है तो प्रभु जी के साथ जा करके जहाँ पर भी ग्रंथ वितरण हो रहा है तो वहां पर जाके ग्रंथ वितरण कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा शर्म लगे या कैसा इज्जत का थोड़ा बात आए कि अरे हमारी, हम कैसे जाएं, हमारी तो समाज में इतनी ऊंची पोस्ट है और समाज में कैसे हम जाएं कि भगवद गीता ले लीजिए। लेकिन हमें भगवान के लिए नहीं, सब नहीं सोचना चाहिए। तो आप लोग, मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूँ, तो आप लोग गुरुजी से पूछ सकते हैं कि आप लोग हमारे लखीमपुर में, आप लोग, हम बहुत आपके आभारी हैं, तो हम अब कैसे आप लोगों का यहाँ पे सेवा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो बाकी गुरु जी कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को कुछ बताएंगे कि कैसे भक्ति करें और कैसे यहाँ पर जो जिस उद्देश्य से आए हुए हैं प्रभु जी, तो कैसे आप लोग प्रभु जी को, मतलब कि असिस्ट, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रभु जी के साथ सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रभु जी कुछ आपने जो अभी तक बोला उसी को सुनकर के मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने पूरा मैसेज लगभग दे ही दिया है। जब भी किसी को कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मिलती है तो कोई भी व्यक्ति उसको, उसके वैल्यू को समझता है तो उसको बांटना चाहता है। तो कृष्ण भक्ति जो है वो दुर्लभ है, सबसे इस भौतिक संसार में सबसे दुर्लभम वस्तु वो कृष्ण भक्ति है। यहां तक कि भगवान भी एक पुराण में बोलते हैं कि अगर कोई भी उनसे धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य ये सारी चीज मांगता है तुरंत दे देते हैं। आप देखेंगे अगर कोई इसके लिए भगवान को अप्रोच करता है, चार्ज में लगा है, आवाज फट रही है, देखो चार्जिंग पर लगा बेटा, ये सोच लगा हुआ। तो भगवान वो सारी चीजें देते हैं, लेकिन जब कोई भक्ति की बात करता है भगवान नहीं देते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई बहुमूल्य वस्तु है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 5 बच्चे हैं और उसको अपनी जो तिजोरी है उसकी चाबी देनी है, तो उस बच्चे को तो बिल्कुल नहीं देगा जो जाकर के बाहर जुआ खेलता है या कुछ गलत कार्य करता है, उसको तो नहीं देगा, उसको पता है कि ये पूरा बेच खाएगा। लेकिन उन सबको भी नहीं देगा जो मतलब रखते हैं कि बस मैं यहाँ आऊं, तिजोरी खुलनी चाहिए, पैसे मिलने चाहिए, हमारा काम हो रहा है, धन्यवाद दे देंगे और क्या, उसके बदले में और क्या चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जो पिता के प्रति साथ में लगा हुआ है, उसकी उसके जो सेवा है उसको समझता है, उसका जो कर्तव्य है वो समझता है, और पिता को हेल्प करता है उसके बिजनेस में, उसके हर कार्य में हाथ बटाता है, तो पिता क्या करता है, उसको अपनी जो गोह्य चीज है या जो तिजोरी है उसकी चाबी दे देता है। तो वैसे ही भगवान भक्ति उसी को देते हैं जो बहुत भगवान के निकट है। इसलिए आप देखेंगे
महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो उस समय इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने वरिष्ठ लोग थे, भीष्म, द्रोण और भी ऐसे लोग थे, कृपाचार्य, लेकिन भगवान ने गीता का ज्ञान किसको दिया? अर्जुन को दिया। ऐसे देखा जाए भगवान कुरुक्षेत्र में भी एक बार दोबारा गए थे और वहां पर लोगों को उन्हें दोबारा ज्ञान दिया, लेकिन गीता का ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया। जबकि अर्जुन देखा जाए तो वो कोई महाभारत का रचयिता नहीं है, वेदों का रचयिता नहीं है, सन्यासी नहीं है, एक गृहस्थ है, वो भी तीन तीन चार चार पत्नियां हैं। तो ऐसे व्यक्ति को वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं और जो पूरे शास्त्रों का निचोड़ होने जा रहा है। तो अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ, भाई मैं क्यों, बाकी सब लोग क्वालिफाइड नहीं, अरे युधिष्ठिर तो हमारे अग्रज हैं, जो जिनके जिनके लिए बोला जाता है कि वो तो ऐसे व्यक्ति हैं, अजात शत्रु हैं, जिनका कोई शत्रु जन्मा ही नहीं है, वो किसी को शत्रु मानते नहीं, लोग उनको माने लेकिन वो नहीं मानते, इतने बड़े बड़े क्वालिफिकेशन है उनके। तो भगवान ने तब क्या बताया, भक्तों से में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तम। ये जो रहस्य है, कृष्ण भक्ति सबसे बड़ा एक प्रकार से रहस्य है, गुह्य रहस्य है, जिसको भगवान ने अर्जुन को दिया। और उनका क्वालिफिकेशन क्या था? तो बोले आपका क्वालिफिकेशन है कि भक्त हो, आप भक्त हो और मेरे परम मित्र हो। तो इस तरह से हम लोग भी अगर भगवान के परम भक्त बनेंगे तो ही ये जो भगवद गीता का ज्ञान है और ये जो गुह्य ज्ञान है तो समझ में आएगा। और जब एक बार किसी को समझ में आ गया तो किसी को अगर कोई ऐसी बहुमूल्य वस्तु मिली है जिससे उसके जीवन में इतना परिवर्तन आया है तो उसको बांटना चाहेगा। एक्चुअली ये स्वभाव होता है, जिस वस्तु से हमको खुशी मिली है तो खुशी का ये स्वभाव ही होता है उसका विस्तार होना। आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। जो कोई भी किसी भी वस्तु का आस्वादन करता है, खुश होता है, उसको बांट करके और भी खुश होना चाहता है। तो वैसे भगवान बोल रहे हैं ये जो गुह्य ज्ञान है, आप देखेंगे इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, तो इन करोड़ों लोगों में भी भारतवर्ष एक ऐसा भूमि है जहां पर आकर के लोग भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, और उसमें भी आधे ज्यादा तो नास्तिक हैं और कुछ लोग हैं जो भक्ति करना चाहते हैं। उन भक्ति करने वाले लोगों में भी बहुत कम ही लोग हैं जो वास्तव में भक्ति या आध्यात्मिक कार्यों में थोड़ा उन्नति करना चाहते हैं। तो इनकी अगर कैटेगरी की जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो शिव जी के भक्त हैं, कुछ दुर्गा जी के भक्त हैं, कुछ तो आजकल के नए नए भगवान आए हैं, सत्य साई, ये साई, वो साई, उनके भक्त बन जाते हैं, तो अलग अलग देवी देवताओं के भक्त बन जाते हैं। तो इनमें से भी एक ऐसी कैटेगरी है कुछ जो सतोगुणी होते हैं, बाकी राजसिक तामसिक अलग अलग लोग होते हैं। तामसिक में क्या होता है, अघोड़ियों की पूजा करेंगे या फिर भूत पिशाच की पूजा करेंगे, ये सब तामसिक है, ये सब गीता में दिया है, तामसिक भक्ति है। ऐसी राजसिक भक्ति है, राजसिक भक्ति में अलग अलग प्रकार के देवी देवता आते हैं। तो जो सात्विक लोग होते हैं वही आते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए। अब ऐसे में बहुत कम संख्या बचती है। इनमें भी जो लोग कृष्ण से थोड़ा बहुत आकर्षित होते हैं या विष्णु से आकर्षित होते हैं, तो जो लोग आकर्षित होते हैं वो मंदिर आएंगे, मंदिर आकर के पूजा अर्चन करेंगे, चले जाएंगे। तो जो इस कैटेगरी है इसमें भी अगर छांटा जाए तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो आकर के कुछ कमिटमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है एक माला दो माला जपेंगे। और ऐसे लोगों में भी छांटा जाए तो बहुत कम लोग होंगे जो 16 माला करेंगे, 4 नियम का पालन करेंगे, घर में भगवान का प्रसाद बनाएंगे, भगवान का भोग बनाएंगे और भोग लगा करके खाएंगे। और इन सब में भी बहुत विरले ही लोग ऐसे मिलते हैं जिनको ये भक्ति मिली है और उनका जीवन जिससे इनका उद्धार हुआ है उसको जाकर के वितरित करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ हो जाती है। तो भगवान क्या बोलते हैं, जैसे सुनील मुकुंद प्रभु जी समझा रहे थे गीता के 18वें अध्याय में, जब समापन करते हैं भगवान तो बोलते हैं कि ये जो गीता का ज्ञान कोई भी व्यक्ति दूसरों को पहुंचाता है तो वो मुझसे सबसे प्रिय हो जाता है। तो बोल रहे हैं कि भविष्यवान अभूव, भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो इन व्यक्तियों से ज्यादा कोई प्रिय होगा कि मेरे ज्ञान को दूसरों तक कोई पहुंचाए। तो गीता का ये जो ज्ञान है, अगर कोई भी इस तरह का कमिटमेंट लेता है कि हमको भी दूसरों को वितरित करना है, तो वो भगवान की घंटी बजाने से ज्यादा, भगवान को भोग लगाने से ज्यादा और भगवान के लिए और भी कार्य करने से ज्यादा उनको इस कार्य से ज्यादा प्रसन्नता होती है। तो बोल रहे कि मनुष्यों में कोई कश्चित में प्रिय कृत्तमा, तो
तो ऐसा कोई हो नहीं सकता जो इतना प्रिय हो। तो ये कार्य से हम लोग का जीवन का उद्धार हुआ है, इसलिए हम लोग को भी ये कार्य अडॉप्ट करना चाहिए और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए। एक्चुअली भगवान इससे अति प्रिय होते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था, अगर कोई बच्चा बिछड़ गया है तो उसके जीवन का सबसे बेहतर कार्य किया जा सकता है, उसको पिता से मिलवा दीजिए। तो इस भौतिक संसार के इस माया जाल में हर कोई भगवान का अंश है। गीता में भगवान क्लियर बताते हैं, ममे अंश जीव होते जीव लोके जीव होता सनातन, ये सब मेरे बच्चे हैं। और अगर हम भगवान के बच्चे हैं और सब इस भौतिक संसार में बिछड़े हैं, अगर किसी को एड्रेस पता है और वो जाकर के बाकियों को बताता है, अरे आप यहाँ पर खाने खाने के लिए दाने दाने के लिए मोहताज हो, एक बोरी आटे के लिए लड़ रहे हो, इस तरह से पाकिस्तान जैसी स्थिति, तो बोल रहे हैं कि आप इस तरह से जीने के योग्य नहीं हो, आपका पिता करोड़पति है। वो कौन है? वो बिलियनेयर है। आपको बस उसके पास जाने की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह से जीवन यापन कर रहा है, वो सिर्फ दाने दाने के लिए मोहताज होकर के जीवन जी रहा है, और आपने उसको पूरा एड्रेस बता दिया, भैया आप यहाँ क्यों भटक रहे हो, आपका पिता पता है कौन है, अगर वहां तक पहुंचा दिया तो पिता कितना खुश हो जाएगा। तो ये कार्य जो करता है पिता कितना खुश होता होगा, इसलिए उसको जो चाहिए वो सब देगा। तो इसलिए भगवान को जो भी भक्त ग्रंथों का प्रचार प्रसार करते हैं और इसको जन जन तक पहुंचाते हैं, तो भगवान उसे बहुत प्रसन्न होते हैं। यहां तक गीता में कह रहे हैं कि इन भक्तों से ज्यादा कोई प्रिय हो ही नहीं सकता, कश्चित में प्रिय कृतमा, इन भक्तों से ज्यादा कोई प्रिय नहीं हो सकता। भगवान योगियों से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, ज्ञानियों से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं, या कर्मियों से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं, या इवन उन भक्तों से उतना प्रसन्न नहीं होते जो पूरा जीवन भजन कर रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जो इस मैसेज का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि खुद भजन करने वाला व्यक्ति क्या होगा, वो अपने जीवन का उद्धार कर रहा है, लेकिन जो दूसरों को प्रचार प्रसार कर रहा है वो अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के भी जीवन का उद्धार कर रहा है। और उस जीवन के उद्धार करने के लिए उसको बहुत संघर्षों के साथ जाना पड़ता है, बहुत संघर्ष होते हैं। आप किसी को एक गीता देने जाएंगे, अभी हम शुरू में यही चर्चा कर रहे हैं, तो गीता नहीं लेगा, वो 200 रुपए का कुछ टिकटॉक का गेम वगैरह खरीद लेगा, कुछ और कर लेगा, लेकिन गीता नहीं लेगा। तो मतलब भगवान से इतना ज्यादा उसको द्वेष ईर्ष्या है। तो जो व्यक्तियों को भगवान बुलाना चाहते थे और वो लोग मना कर दिए, हमको नहीं आना है, इन लोगों को जो वापस लेके जाता है भगवान खुश हो जाते हैं। मैं एक बाइबल में एक स्टोरी आती है, जैसे उन्होंने बताया बाइबल की घटना है, वहां पर एक बेटा होता है, एक पिता होता है जिसके 2-3 बच्चे होते हैं। तो एक बच्चा था उसमें से बदमाश था, छोटा वाला, तो इतना बदमाश था वो कि बस बाप के पैसों को उड़ाता था, यही काम था उसका, दोस्तों के साथ मिला पैसा खाया पिया इस तरह से उड़ाता था उसके। वो लेकिन मिलनेर था, जो पिता था बहुत बड़ा अमीर आदमी था। इसके दोस्तों को लगा यार कि ये थोड़ा थोड़ा पैसा लाता है, अगर इस पैसे को कंट्रोल कर लिया जाए तो कुछ ज्यादा ही आनंद आएगा। तो उसने उसको थोड़ा चढ़ाया और बताया कि अब तो हर कोई आजाद है, तुम्हारा अपना हिस्सा है, तुम किसी के अंडर में रह करके, किसी के नियंत्रण में रह करके क्यों तुम जीवन जी रहे हो, स्वतंत्र होकर जीवन जीना कितना आनंदमय है। अरे उसके कंट्रोल में नियंत्रण में रह करके तुम इस तरह से जीवन जी रहे हो, आनंद कहाँ है उसमें। तो उसको बिल्कुल बात सही है, पैसा मांगो पूछता है क्या करोगे, खाने पीने में आनंद नहीं आता। तो आकर के अड़ गया बाप से, बोला हमारा हिस्सा हमको दे दो। तो बाप बोला सब तो तुम्हारा ही है, अलग से क्या करोगे। बोला नहीं, वो मुझे पता है इस तरह से आप मुझको बहका रहे हो, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, मुझे नहीं रहना इस घर में। तो बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, देखो बेटा किसने तुम्हारी मतिम भर दी है, तुम यहां से जो भी पैसा चाहिए आनंद में तो जी रहे हो ना, जितना चाहिए सब मिल रहा है। लेकिन वो इतना जिद में आ गया कि हमको हमारा हिस्सा दीजिए, नहीं तो मैं कुछ कर लूंगा। तो बाप ने बोला ठीक है, तो उसको पैसा दे दिया, उसका हिस्सा दे दिया। जब उसको उसका हिस्सा मिल गया, फिर वो क्या करने लगा, अपने मित्रों के साथ में मिल करके जितना भी जिस तरह का भी उसको सुख चाहिए था। अब सुख क्या है, तामसिक सुख, जिस तरह का मदिरा पान करना, अवैध मैथुन संबंध करना, सब कुछ करने लगा और अपने मित्रों के साथ मस्ती करने लगा। अब इस तरह के, चूंकि आप काम तो कर नहीं रहे हो, पैसा तो ला नहीं रहे हो, ये पैसा कितने दिन चलेगा। जितने भी दोस्त थे उन सबको पैसा देता, चूंकि ये सारे दोस्त यार के साथ ही तो आनंद आता था। सबने बोला अभी तुम्हारी बारी है, तुम करो, इसके बाद हम लोग करेंगे। इसका पैसा एक दिन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया कुछ साल के बाद। तब उसको लगा चलो ठीक है, इतना पैसा हमने खर्चा किया है, अब इनके ऊपर हम आश्रित रह करके अपना जीवन जिएंगे। तो जब सबको पता चला इसका पैसा खत्म हो गया, तो सबने कल्टी मार ली,
सबके पास जाता, सब भगाने लगे, अरे सब बहाने बनाने लगे। और एक समय आया उसको समझ में आया ये सब ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया। जब धोखा किया तो उसकी ये स्थिति हो गई, चूंकि लाडला था, काम धंधे तो किया नहीं था, सिर्फ पैसे ही पैसे उड़ाए थे, काम करने आता नहीं था, कुछ स्किल थे नहीं, तो अब पैसा ढूंढना था जीवन यापन करने के लिए, तो कुछ तो अर्निंग करना था। तो उसने सोचा अभी क्या करना चाहिए, लोगों के पास काम धंधा ढूंढने के लिए जाता, लोग काम देते उसको, तुम ये करो हम पैसा देंगे तुम्हें, काम करने कुछ आता नहीं था, लोग भगा देते थे। तो एक जगह इस तरह से ढूंढते ढूंढते वो गांव में गया। जब गांव में पहुंचा तो उस गांव में एक सुअर बाड़ा था, तो सुअर बाड़े के मालिक के पास पहुंचा, उससे बोला हमको कुछ काम चाहिए। तो बोले देखो भाई हम लोग तो खुद ही काम करते हैं, हम काम पे किसी को रखते नहीं है। बोला नहीं देखिए हमको काम दे दीजिए, जो बोलोगे सो करूंगा। उसने बोला देखिए हमारे पास इतने सारे सुअर हैं, ये चरने के लिए जाती है और बीच बीच में हम लोग कुछ इनको खिलाने पिलाने के लिए डालते हैं, तो ये तुम्हें करना रहेगा, और अलग से हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं। बोले पैसा नहीं चाहिए, बस हमको खाने पीने का चाहिए। बोले खाने पीने का भी हमारे पास नहीं है, जो तुम सुअर को खिलाओगे वही तुम्हारे लिए भी। बोले ठीक है चलेगा। तो इस तरह से वो उसकी स्थिति यहां तक आ गई, जो बाप के ऐशो आराम के साथ जीवन जीता था, राजमहल में रहने वाला, सोफा पे बैठने वाला, इस तरह से एक शालीन जीवन जीता था, आज उसकी स्थिति यहां तक पहुंचे कि उन सब में भी जीवन यापन करने को रेडी हो गया। इस तरह से जब कर रहा था तो उनका देखभाल करता सुअरों के साथ, वहीं पर रहता भी, सुअरों के साथ रहता, उनका देखभाल करता और जीवन जी रहा था, और एकदम फटे हाल हो गया और पूरी तरह से उसका अस्त व्यस्त हो गया जीवन, और उसका स्वास्थ्य भी पूरी तरह से बिखर गया। तो चूंकि वो घर पर था नहीं, तो उसका जो बेटा था, बड़ा भाई था, तो किसी दिन किसी काम के सिलसिले से इधर उधर आया था घूमने के लिए, मतलब गांव में आया था, कुछ बिजनेस वगैरह के पर्पज से आया था। जब इधर से गुजरा तो ये छोटा भाई जो अपने बड़े भाई को देख के पहचान गया, पहचाना, थोड़ा छुप के भागने लगा। जब भागने लगा तो व्यक्ति को थोड़ा शक हुआ, ये ऐसे क्यों डर के भाग रहा है, तो जाके देखा तो इसका छोटा भाई था। उसको देखकर बड़ा आश्चर्य, तुम इस तरह से जी रहे हो? तो बहुत रोने लगा, बोला भैया क्या बताऊं, काश पिताजी और जब आप समझा रहे थे मान लिया होता, तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। बोले यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि हम क्या स्थिति है, ये सुअर का देखभाल करता हूँ, ये खाता पीता हूँ। तो इतना बुरा लगा भाई को, बोला चल तू अभी चल वापस। बोले अरे किस मुंह से जाऊं, बाप से लड़ झगड़ के ही तो आया था, तो बाप देखेगा तो वो तो और मारेगा हमको, कि तुम जब बोल रहा था तब माने नहीं और आज वापस आए हो। तो बड़ा भाई बोला कि तुमने पिता को अपने जैसा समझा है क्या, तुम लड़ झगड़ के आए हो, तुम स्वार्थी थे, तुमने पिता को वैसे समझा क्या, चलो वापस चलो। तो जब उसको वापस लेके गया तो वो घर तो गया लेकिन डर रहा था काफी, तो उसने बोला नहीं मैं पिताजी को पहले नहीं मिलूंगा। तो फिर बोला चलो ठीक है मम्मी से मिलो, तो पीछे के दरवाजे से माँ के पास गया, माँ ने देखा तो माँ बहुत रोने लगी इस तरह से स्थिति देख करके कि क्या तुम क्या से क्या हो गए। तो माँ ने उसको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद बोली चलो पिताजी के पास, बहुत डर रहा था कि माँ पिता से मैंने इतना लड़ाई की थी और उनके न चाहने के बाद भी मैंने उनसे सब कुछ अपने पैसे आधा आधा करवा लिए थे, और वो पैसों का मैंने किया क्या, सब दोस्तों यारों में मिलकर के खा गया, उसका तो कुछ हुआ नहीं, तो अभी वो हमको देखेंगे तो आग बबूला हो जाएंगे, और इतने दिन से मत कभी आया नहीं। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं तुम चलो। तो जब वो पिता के सामने आया और पिता ने देखा वो बेटा वापस आ गया है, तो उसने गले लगा करके उसको इतना रोया कि बोला कि तुम कहां थे इतने दिन, तुम्हें पता है कि एक एक दिन बिना तुम्हारे विषय में सोचे मैं जीता नहीं था, हर दिन तुम्हारे विषय में सोचता था तुम कैसे हो, कहां हो, क्या कर रहे हो, मैं ढंग से खाना नहीं खा पाता था और तुम किस स्थिति में थे। तो फिर बेटा भी रो रहा था, तो उसने बोला पिताजी माफी चाहूंगा, मैंने कोई बिजनेस नहीं किया, आपका पैसा उड़ा दिया, आपको पता नहीं है, किसी ने आपको बताया नहीं इस सब के विषय में। तो बोला तुम वापस आ गए वही बड़ी बात है, पैसा तो हम बहुत है हमारे पास, तो वो जो बिछड़े हुए बच्चे हैं वो हम ही हैं, हमारा जो घर है वास्तव में आध्यात्मिक संसार में है, हम वहां से आए हैं। तो भगवान जब इस धराधाम पर आते हैं तो बताते भी हैं, अगर किसी ने पूछा भाई मैं क्यों जाऊं वहां, हमारा क्या है वहां पर, तो भगवान बोले ना तद भास्ते सूर्यो न शशांको न पाव का, तुम्हें पता नहीं है वहां सूर्य चंद्रमा की जरूरत नहीं है, अपना घर कैसा है तुम वहां रहते थे। तो भगवान एक्चुअली सब बता रहे हैं, अगर आप गीता ढंग से पढ़ेंगे तो ये हमारी स्थिति है, हम भटके हुए यहां पर घूम रहे हैं, जबकि हम करोड़पति खरबपति लक्ष्मीपति के बेटे हैं।
तो भगवान स्वयं बता रहे हैं अपना जो घर है वहां कैसा है। चलो देखो तो सही, गीता उठाइए आप देखिए, बोल रहे कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, इस बार जब वापस जाओगे ना बेटा दोबारा नहीं आओगे, क्योंकि अपना घर ऐसा है। तो भगवान आकर के उसको बता भी रहे गीता में। और जो व्यक्ति ऐसे बिछड़े हुए बच्चों को ला करके उसके बाप से मतलब भगवान से कनेक्ट कर देता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तुमने हमारे इस विद्रोही बच्चे को समझा बुझा करके वापस लाया। विद्रोही बच्चा क्यों? भगवान भी समझाने की कोशिश किए थे जब हम आध्यात्मिक संसार से आ रहे थे, तो भगवान भी समझा रहे थे, बता रहे थे मत जाओ उधर, दुख ही दुख है, बीमारी है, ठंडी है, इतना ठंडी पड़ेगी घर से बाहर नहीं निकलोगे, गर्मी आएगी फिर एसी की जरूरत पड़ेगी, अरे दुख है, बूढ़े हो जाओगे, और भी कोरोना आएगा, कोरोना का दूसरा फेज आएगा, और भी समझ गया। लेकिन नहीं, तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमको हमारा पैसा चाहिए, आ गए हम, आ गए ये हम ही लोग हैं। अब यहाँ पर आकर के इसीलिए हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, किसके लिए? बस क्षणिक सुख के लिए, उन क्षणिक सुख को पाने के लिए हम यहाँ पर जी रहे हैं, जबकि वास्तविक सुख यहाँ पर है नहीं, है यहाँ नहीं है। आप देखिए, एक छोटे छोटे सुख को पाने के लिए आपको कितनी तपस्या करनी पड़ती है, कितनी तपस्या करनी पड़ती है। भगवान ने बताया गीता में आकर दोबारा बताया, भैया दुखालयम अशाश्वतम, दिस ये जो भौतिक संसार है ये दुखालय है और एक ऐसा है क्षणिक है। कभी कभी लोगों को लगता है दुखालय है तो कोई बात नहीं है, धूप छाव हम सह लेंगे, जिंदगी का जन्म जीत लेंगे हम इस तरह से लोग जीते, सपने देखते हैं, कोई बात नहीं बूढ़े हो गए ना तो हम मियां बीवी जी लेंगे बूढ़े हो गए भी। भगवान बोल रहे बुढ़ापा है नहीं, मैं बहुत दुख मिलेगा बुढ़ापे में, घुटना काम नहीं करेगा, खाओगे तो पचेगा नहीं। तो एक हमारे आचार्य हुए हैं किंग कुलशेखर, वो कहते हैं यद अवधि, नहीं कौन सा श्लोक होता है जो वृद्धावस्था के विषय में बोलते हो, हाँ कपोवात पित्तो, तो बोल रहे कि कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समये कपोवात पित्तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भगवान, ये जो युवावस्था है मुझे अभी वापस जाना है, इस युवा अवस्था में ही वापस जाना। बोले क्यों? बोले कि अगर इस समय तो हमारा जो हमारा हाथ है हमारे एटलीस्ट हमारे नियंत्रण में है, और जो हमारा शरीर है हमारे नियंत्रण में है, लेकिन जब हम वृद्धावस्था में आएंगे, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतरम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणा प्रयाण समय, जब हमारे प्राण त्यागने के समय आएंगे वृद्धावस्था आ जाएगी, तो जब मुंह में दांत नहीं होंगे, पेट में हाथ नहीं होंगे, अलग से भी दांत लगाकर खाना पड़ता, सोचिए इतना घिसा पिटा जीवन जीने को तैयार है वो। हमारे हमने कई देखे, हमारे अपने दादा परदादा, हमारा कंबाइंड परिवार था, तो देखा अलग से दांत लगा के रखते थे, खाने के लिए अलग दांत लगाना पड़ता था फिर खाते थे, मतलब इस स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन उस भौतिक संसार में आना चाहता है। बोला है कि जब प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्तो, जब प्राण त्यागने के समय आएंगे तो फिर क्या होगा, कफ वात शरीर खट खट करेगा, तो ये सारी चीजें इस तरह से हो जाएंगी। बोले प्राणा प्रयाण समय कफवात पित्तो कंठावरोधन, ये कंठ तो गरारे से भर जाएगा, खांसने से भर जाएगा, स्मरणम कुतस्ते, वृद्धावस्था को याद कर पाते हैं क्या, अपनी बीमारियों से ही वो उसमें लिप्त हो जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं दुखालय अशाश्वतम, ये भौतिक संसार दुख से ही भरा पड़ा है, दुख से भरा पड़ा है। आप अपने जीवन के एक छोटे से सुख को पाने के लिए कितना दुख से जाना पड़ता है। अगर किसी को एक कार खरीदनी है, एक कार पाने के लिए कम से कम 10 साल काम करना पड़ता है, 10 साल के काम के बाद एक कार आती है, छोटे समय का सुख, और आगे चल करके एक्सीडेंट हो जाता है खत्म। मोबाइल खरीदते हैं, कुछ और हो गया, स्क्रीन टूट गया, अलग अलग तरह से दुख आ जाते हैं। सुख क्षणिक है लेकिन दुख भरा पड़ा है, इसलिए भगवान बोल रहे हैं इस भौतिक संसार में इतना सुख नहीं है, चलिए वापस चलिए, अपने वापस घर चलिए। तो वहां पर सर वहां दुख नहीं है? बोले नहीं, वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, वहां पर मृत्यु नहीं है, और वहां पर इस भौतिक संसार जैसा सुख नहीं, आध्यात्मिक सुख है, इसलिए वहां पर आना है। तो गीता में भगवान पूरी क्लियर तरह से आध्यात्मिक संसार के विषय में बता रहे हैं, और जो कोई भी इसका प्रचार प्रसार करता है, दूसरों को बताता है, भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से हम लोग को भी अपना जीवन यापन जो है
ऐसे ही भगवान को केंद्र बिंदु बना करके करना चाहिए।